खबर कन्नौज से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर बेहाल नजर आ रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज को लेकर बुरी तरह से पीटा है। बेटी की घायल होने की सूचना पर ससुराल पहुंचे परिजन काफी देर तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, जिसके बाद परिजनों ने घायल बेटी को ठेले पर लिटाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में घायल का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ससुराल वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सरकारी एम्बुलेंस सेवाओं की लापरवाही से बात साफ है कि सूबे के मुखिया भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को उनकी कोशिश की कोई फिक्र नहीं है। हालांकि इस तरह की लापरवाही से परिवार वाले सरकार और जिला प्रशासन से काफी नाराज हैं।